देख सकते हो गाइस, पास से दिखाओ, ये पूरी फेविक मैंने इसके ऊपर डाल दी है और जस्ट मैं इसके ऊपर अब ये दिख रहा है ना। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? बातें कम, काम ज़्यादा। तो हमारे पास है गाइस ये फेविक्विक की बड़ी दो बॉटल और हम देखने वाले हैं इसके पावर को, क्योंकि आप सभी को पता है कि फेविक्विक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये आपने देख लिया फेविक्विक और ये है हमारा पछवाड़ा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के साथ आइए आपको मैं दिखाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। सो गाइस, ये आप देख सकते हो जमीन है नीचे और जो कि सूखी पड़ी है। अभी कुछ देर पहले पानी गिर गया था, बरसात हो गई थी, तो यहाँ पे अगल बगल गीला है ना। तो जब अपन का ये वीडियो चल रहा, मतलब वीडियो बनने की प्लानिंग हो रही, तब पानी नहीं गिर था, बट प्लानिंग के बाद पानी गिर गया और हमारे प्लान में भी थोड़ा सा पानी फिर गया था, बट हम लोग तैयार मानने वाले हैं नहीं, करके ही छोड़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट हमारा कुछ ऐसा होने वाला है कि इस जो फेविक्विक की बॉटल है इसको पूरा हमें सूखी ज़मीन पर गिरा देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे अपना पछवाड़ा रख देंगे और बच्चे आके पीछे से देखने लगा कि एक्चुअली ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। गाइस, मैंने आपको बता दिया कि ये फेविक्विक है, इस फेविक को हम इसमें गिराएंगे, देन उसके बाद इस पर बैठेंगे और देखते हैं कि इसका पावर कितना ज़्यादा ये हमको हमारे पछवाड़े को चिपका पाता है कि नहीं चिपका पाता है। उससे पहले से थोड़ा सा मैं और साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि जितना साफ रहेगा फेविक्विक उतना ज़्यादा काम करेगा, अगर धूल मिट्टी ज़्यादा रहेगी तो काम करना थोड़ा सा कम कर देगा। तो चलिए इसको जल्दी से मैं साफ़ कर लेता हूँ और ये साफ़ हो चुका है। सो फाइनली गाइस, हमारा काम हो चुका है और ये मेरी फेविक्विक की बॉटल, पास से दिखाओ, और इसको मैं जल्दी से यूं इसके नीचे डालने वाला हूँ पूरा। और ये देखो गाइस, मैंने पूरा डाल दिया है इसमें, ठीक है, और ये पूरा मैंने इधर डाल दिया और इसको मैं जल्दी से डाल दी है और जस्ट मैं इसके ऊपर अब ये बहुत गर्म लग रहा है यार, बहुत गर्म लग रहा है। ओ माय गॉड भाई, प्रासिल बहुत गर्म लग रहा है यार। सो गाइस, अभी कुछ ठीक है, बट जैसे मैं इसके ऊपर बैठा हूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्म लगा और सिर्फ सिंगल फेविक्विक में हुआ, एक तो फेविक्विक अभी बच गई है। ओ माय गॉड, चिपक गया प्रासिल, चिपक गया प्रासिल चपक गया यार। ओ माय गॉड, इधर से दिखाओ, इधर से आओ। सो गाइज, बहुत तेज़ी से गर्म लगा था, जैसे मैंने इसके ऊपर बैठा भी कुछ ठीक लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। और चलिए अब मैं उठ के देखता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था चपका नहीं। ओ ये क्या, अबे चपक गया यार प्रासिल, चपक गया यार। देखो ये मैं उठ रहा हूँ, कैसा चपका है, लग रहा है चपका चपका, थोड़ा पास से दिखाओ और इधर ये। ओ और यहाँ पे आप देखिएगा गाइस, चर्र चर्र की आवाज़ भी आएगी अभी, पर पर चर चर। ओ ओ गाइस, क्या हाल हो गया यार, यहाँ पे देख रहा है पूरा एकदम सूखा सूखा, पीछे पहले कुछ चेंजेस आए। ओ गॉड, यहाँ पे देख सकते हो गाइस कैसा लग रहा है, मेरे को दिख ही नहीं रहा कैसा लग रहा है। ओ गॉड भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा है ये पूरा, वो अभी भी गरम गरम है यार, जहाँ पे हमने ये लगाया था। और ये पीछे का पछवाड़ा दिखाओ, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, मैं कैसे देखूँ क्या है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा यार प्रशिल, ये क्या है, ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे को। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे पैंट का क्या हाल इसने कर दिया है। गाइज ये मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट टाइट से यहाँ फील हो रहा है यार, ये बहुत ही टाइट टाइट मेरे को फील हो रहा है पैंट में, और मेरे को दिख तो नहीं रहा है। प्राशिल तुम बताओ कैसा आया है यहाँ पे, काफ़ी टाइट घूम गया, सूख जाता है सभी के जैसा। सो गाइज ये मैंने एक ही डाला था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि काफ़ी अदर रिस्की हो सकता है, कहीं कुछ अंदर चला जाए तो भाई कुछ मतलब रिएक्शन भी कर सकता है। तो मैंने दो की जगह एक ही बॉटल डाली थी, एक बॉटल में काफ़ी ज़्यादा फेविक्विक आ गया था, जो कि दोनों इसमें लेयर में
कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो एक मात्रा डालने पे मैं जब इस पे बैठा हूँ तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था यार, जैसे ही मैं इसमें बैठा हूँ ना तो कसम से मैं लग रहा हूँ जैसे जलते तवे पे मैंने अपना ये पिछवाड़ा रख दिया यार। कुछ इतना गर्म, मतलब भयानक तरीके से गर्म मेरे को लगा था, फील हुआ था, मतलब इतना भयानक गर्म लगा यार। मैं उस फील को मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये आप लोगों को तभी मालूम होगा जब आप लोग मतलब या तो आप ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करोगे या फिर आप जलते हुए तवे पे या कि गर्म एकदम तवे पे अपना पछवाड़ा रखोगे तभी आपको मालूम पड़ पाएगा। सो गाइस, हम जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ हम पूरी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने ये फेविक्विक वाला काम किया है तो इससे हमारी इंटरनल स्किन को कोई नुकसान ना हो, इससे कोई त्वचा की खराबी ना आए, इसलिए हमने इसके लिए एक सेफ्टी रखा था जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो, ये मैं आपको सेफ्टी दिखाता हूँ, मैंने सेफ्टी क्या रखा था ये आप देख सकते हो गाइस। ओ ये तो पैंट में चिपक गया यार, ये तो पैंट में चिपक गया है एक्चुअली। मैंने ये एक उस पर प्लास्टिक डाल के रखी हुई थी गाइस। ओ माय गॉड, ये तो पैंट में चिपक गया है। ओहो, ये नहीं निकल रहा यार, अभी तो निकल नहीं रहा यार। दिख रहा है ना? ओहो, ये लगता घर जाके निकालना पड़ेगा यार। सो गाइस, अरे यार प्लास्टिक तो निकल ही नहीं रहा यार। ओ माय गॉड, नहीं ये तो बहुत, थोड़ा तुम इसको खींच के दिखाओ, अपने से कैमरे से भी दिखाना, खींचो। अभी ये प्राचल से मैं खिंचवा रहा हूँ, टाइट लग रहा है, काफ़ी टाइट निकल रही है। ओ माय गॉड यार, ये प्राचल से भी नहीं निकल रहा है। ओहो, अंदर तक चला गया। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी नहीं निकलने वाला। सो गाइस, आपने देखा ना कि अगर हमने सेफ्टी यूज़ ना की होती तो हमारा क्या असर हुआ होता, ठीक है ना। इसीलिए गाइस, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो पूरा सेफ्टी का ख्याल रखते हैं ताकि कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो हमें या किसी भी इंसान को हमारे एक्सपेरिमेंट से। सो गाइस, अभी वक्त आ गया है लात खाने का। आपका नहीं यार, आपको, आपने तो एंजॉय किया है, लात खाने की बारी मेरी है। क्योंकि जो मैंने हाल किया है पैंट का, अभी जब घर जाऊंगा और एक पैंट की कमी हो जाएगी मेरे घर में तो जो मेरे पापा मेरे को लात मारेंगे ना उसका दर्द आप नहीं समझेंगे, केवल मैं जानूंगा। क्योंकि ये बहुत महंगे आते हैं और इनके लिए पैसा जो है तो पापा देते हैं और हम लोग बेरोजगार ठहरे यार, खुद से तो खरीद नहीं सकते हैं, तो नुकसान जो भी करते हैं हम लोग अपने पापा का करते हैं, अपने पापा के पैसों का करते हैं। तो गाइज़, अगर हमने इतनी बड़ी रिस्क ली है अपने लिए और आपके लिए तो आपका भी छोटा सा फ़र्ज बनता है यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और हम मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और इंटरेस्टिंग तो होगा ही यार। बिना इंटरेस्टिंग की वीडियोज़ तो मैं बनाने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ ऐसे ही बनाता हूँ जिसमें आपको मज़ा आए देखने में और कुछ ना कुछ आपको उसमें सीखने को मिले, ठीक है ना। इसमें बस आपको मैं दिखा रहा था कि फेविक पावर कितना ज़्यादा होता है। आपने देखा है कि इसने मेरी पूरी पैंट ख़राब कर दी है और ये मैं पूरा निकाल के दिखा रहा था लेकिन निकल नहीं रहा था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मज़ा बहुत आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए खतरनाक एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।